हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं सिर्फ आपसे सिर्फ यूं ही नहीं पूछ रही हूं, मैं सच में जानना चाहती हूं कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप सब अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन यही करती हूँ कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर हैं तो प्लीज़ अपने घर के अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए. तो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ 5 लॉकडाउन स्किन केयर हैक्स. तो गाइज, ये जो हैक्स हैं ये आज मैं यूज़ करने वाली हूँ. तो इन सारे हैक्स को अगर आप यूज़ करते हैं और इनमें से इनकेस आपके पास कोई भी सामान नहीं है, तो जैसे ही लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होता है वैसे ही आप इन सामान को मंगवा लीजिए, क्योंकि समय कभी कहकर नहीं आता है, कभी बोलकर नहीं आता है. तो क्या पता कि आगे चल के फिर से कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि हम बाहर ना निकल पाएँ और हमको इन सामान की ज़रूरत हो जाए. तो प्लीज़ ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो जाए तो अगर आपके पास इनके सामान नहीं है कुछ भी, तो आप उनमें से मंगवा लीजिएगा. तो अभी तो हम कोई भी पार्लर नहीं जा सकते, सारे पार्लर बंद हैं और ना ही हम किसी भी पार्लर वाले को घर पर बुला सकते हैं. इनफैक्ट हम अर्बन क्लब वाले को भी नहीं बुला सकते हैं अपने घर पर. तो गाइज, अब ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ हैक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और ये हैक्स आपके लाइफ टाइम तक यूज होने वाले हैं. तो गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो आज मैं जो आप लोगों के साथ ये स्किन केयर हैक्स शेयर कर रही हूँ, ये हैक्स मैं खुद फॉलो करती हूँ. वैसे तो हम लोग कोई भी हैक्स फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोगों को जितने भी हैक्स आते हैं हम सारे ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी कोई ऐसा समय आता ही नहीं है कि हम कभी कोई हैक्स यूज करें. तो गाइज, आज की वीडियो में जो मैं हैक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ वो हैक्स ऐसे हैं कि आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए यूज़ होने वाले हैं और कभी भी यूज़ कीजिए, चाहे आप घर के हो या आप घर से बाहर हो या कभी भी अगर आप पार्लर नहीं जा पाते हैं तो भी आप इन हैक्स को यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक इंट्रो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. घर पर बैठे बैठे रहने से आप बस ये एक नुकसान है हमारा, थ्रेडिंग इतनी सारी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, फेस बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाला नहीं जा सकते तो मेरे पास एक आइडिया. तो गाइज, यहाँ पे पहले मैं अपने हेयर्स को कॉम कर लूँगी थ्रेडिंग के लिए. तो यहाँ पे मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी अपनी ग्रोथ के हिसाब से. आप भी अपनी ग्रोथ के हिसाब से ही कीजिएगा जैसे आपकी ग्रोथ है. अब मैं यहाँ पे जो मेरे हेयर्स थोड़े बढ़ गए हैं उनको मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी. बहुत ही आराम से कीजिएगा, हर स्टेप आपको बहुत आराम से करना है, क्योंकि थ्रेडिंग का है भैया, अगर थोड़ा सा भी कट लग गया तो आपकी थ्रेडिंग चली जाएगी. तो अब मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ ये है रेज़र. तो ये जो रेज़र है गाइज, ये रेज़र है मैंने मंगाया था purple.com से, और अच्छा हुआ मैंने मंगा लिया क्योंकि अब तो ये मिलने वाला भी नहीं है. तो आप ऐसे ही अगर आप लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हो जाए, तो आप प्लीज़ मंगा लीजिएगा, इसको कभी भी यूज़ आ सकता है. तो ये आप देख सकते हो 200 का है यहाँ पे रेट लिखा है, लेकिन मैंने ये 100 के 3 मंगाए थे, मतलब 100 के 3 ये रेज़र मिले हैं मुझे. तो इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है, कैप है आपका ये सेफ्टी के लिए, कहीं कटना लग जाए. और आप देख सकते हो कितना शार्प इसका रेज़र है, ये ब्लेड जो इसका शार्प है. तो अब मैं इसको यहाँ यूज़ करूँगी. तो गाइज, यहाँ पे मैं अपनी जो ग्रोथ है ना, हेयर ग्रोथ थ्रेडिंग की, उसको अपोजिट साइड पे मैं इसको रेज़र को चलाऊंगी, क्योंकि हम अगर सीधे सीधे ही चलाएंगे तो वो हेयर निकलेंगे ही नहीं, कट ही नहीं होंगे. और बहुत ही आराम से स्टेप करना है गाइज ये, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था पर बहुत आराम से किया है मैंने. सिर्फ इतना सेट किया है कि हाँ मेरी आईज ब्रोज बेकार ना लगे, अच्छी लगने लगे, मेरा फेस अच्छा लगने लगे. तो ये मैंने अपोजिट साइड पर कर लिया है इसको. तो आप भी बहुत आराम से कीजिएगा ये स्टेप. तो गाइज, आप देख सकते हो. और इसके साथ ही मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाऊंगी, लास्ट में बताऊंगी कि एक ऑप्शन और क्या है. तो आप देख सकते हो मेरी दोनों ही आईब्रोज अच्छे से हो गई हैं सेट. तो ये हैक भी बहुत काम का है, ट्राई कीजिएगा. तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है हमारे अपर लिप्स की, क्योंकि अपर लिप्स पे जब ये बाल आ जाते हैं ना तो मूछे सी हो जाती हैं, जो कि हम लड़कियों की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं. तो गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पे भी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं इस रेज़र को. जी हाँ गाइज, ये जो रेज़र है ये भी हम यहाँ यूज़ करेंगे. और इससे क्या होगा, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हम नीचे करेंगे. तो जैसी हमारी हेयर ग्रोथ है ना, उसका अपोजिट ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर. तो इस तरीके से हम कर लेंगे. और अगर आप चाहो तो अपने पूरे फेशियल हेयर भी इससे रिमूव कर सकते हैं, पूरे फेस के भी हेयर रिमूव कर सकते हैं. बहुत ही आराम से कीजिएगा गाइस. मैंने यहाँ पे अपने लिप्स के आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लिया है, क्योंकि यहाँ हेयर्स अच्छे नहीं लगते, लिप्स के पास लिपस्टिक लगाओ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. तो गाइज़, आप देख सकते हो कि मेरे हेयर्स हो गए हैं बिल्कुल रिमूव. तो गाइज़, आप देख सकते हो कि हेयर रिमूव करने के बाद लिप्स के आसपास कितना अच्छा लग रहा है, और लिपस्टिक भी लगाने में अब अच्छा लगेगा.
कटे हुए लिप्स किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। और ये मौसम भी कुछ अभी ऐसा ही चल रहा है कि हमारे लिप्स अभी अधिकतर फट ही रहे हैं। तो गाइस, इसको सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए मैं आपको एक हैक दिखाने वाली हूँ। तो ये जो मैं यहाँ लगाने वाली हूँ ये है विक्स। जी हाँ गाइस, ये है विक्स। लेकिन इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि आप अपने लिप्स को पिंक और सॉफ्ट शाइनी कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम विक्स लगा रहे हैं। वो विक्स आपकी सर्दी जुकाम में तो काम आता ही है, लेकिन आपके लिप्स को मुलायम करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप इस विक्स को लगाएंगे जब आप रात को सोने जा रहे हैं। तो आप जब सोने जाएंगे तो लिप्स को लगा लेंगे, उसके बाद आप सो जाएंगे, और सोने के बाद आप इसको सुबह उठ के रिमूव कर देंगे किसी भी टिश्यू पेपर से या किसी भी, और वॉश कर लेंगे अपने लिप्स को। तो जैसे ही आप अपने लिप्स को वॉश कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और मुलायम हो गए हैं। गाइज, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक फेस पैक जो कि आपके फेस को बहुत सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ और बहुत हेल्दी बना देगा। तो इसके लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, बेसन, और उसके बाद हमें चाहिए रोज़ वाटर। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। फिर मैं लूँगी दूध, मिल्क, आप रॉ मिल्क ले सकते हो या फिर आप बॉयल भी ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ हनी, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी नहीं है तो आप किचन की हल्दी यूज़ करते हो, लेकिन एक पिंच। उसके बाद मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा लूँगी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून बेसन, और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी हनी, 1 टेबल स्पून आपको हनी डालना है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ हल्दी, अम्बा हल्दी, आप किचन की हल्दी लीजिए, 1 पिंच हल्दी लीजिए किचन की। उसके बाद यहाँ 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी रोज़ वाटर, और इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ मिल्क। मतलब यहाँ पर आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपको कुछ भी कम लग रहा है तो आप इसमें से, मेरे को ये सारा सही लगा इस पेस्ट में, तो मैंने एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा के दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, इस फेस पैक को आप अपने फेस पे लगाऊंगी, और जैसे ही मैं ये फेस पैक लगाऊंगी और निकाल दूंगी तो मेरा फेस बहुत ही हेल्दी, शाइनी और स्मूथ बन के तैयार हो जाएगा। और आपके फेस पर अगर टैनिंग भी है तो इससे टैनिंग भी रिमूव होगी। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गेहूं का आटा भी आपके फेस को वाइटनिंग करने में हेल्प करता है, तो इस फेस पैक को आपको लगाना है 15 मिनट तक, या फिर जब तक लगाइए जब तक आपका फेस हल्का सा, ये फेस पैक जो है हल्का सूखा गीला सा नहीं हो जाता है। तो गाइस, गेहूं का आटा आपके जो फेस को है वाइटनिंग करने में बहुत हेल्प करता है, आपके फेशियल हेयर को रिमूव करेगा, बेसन तो हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। तो गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा फेस सूखा गीला सा हो चुका है, मतलब मेरा हल्का सा सूखा गीला हो गया। मैं इसको रब करके निकाल दूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये रब करके फेस पैक निकाल दिया है, और उसके बाद आप मेरा फेस देख सकते हो कितना शाइनी, सॉफ्ट और स्किन कितनी हेल्दी हो गई है। तो गाइस, आप इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हो हफ्ते में दो बार इसको यूज़ कीजिएगा। वैसे पहले मैंने आपके साथ एक और वीडियो शेयर किया था, तो आप वो भी एक देख सकते हो। तो ये फेस पैक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पार्लर नहीं जा सकते हैं, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे अपनी वैक्सिंग करने के लिए वैक्स नहीं कर रही हूँ, रेज़र यूज़ कर रही हूँ। इसका वीडियो मैं आपके संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फुल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ इसका, आपको इस किस तरीके से यूज़ करना है। तो गाइज़, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे देख लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़, आपको ये रेज़र यूज़ करना है, पानी में बार बार डालना है, इसको हल्का गीला करना है, गीला करने से ही आपके हेयर रिमूव होंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरे हेयर रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे वैक्स भी कर सकते हो। तो ये रेज़र होना ही चाहिए आपके घर में गाइज़। तो मैंने तो ये लिया था, आप देख सकते हो कितने हेयर्स इसमें आ गए हैं, मतलब हेयर रिमूव हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रही हूँ। तो ये जो है ये रेज़र है, आप अगर आपके पास और रेज़र नहीं है वो वाला, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपको अपोजिट साइड पे यूज़ करना है, और इस तरीके से आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस, आपको बहुत ही सावधानी से करना है ये स्टेप, बहुत ही हल्के हाथों से करना है, टाइट हाथों से कर देंगे तो कट लग जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ मैंने ये हेयर रिमूव कर दिए हैं इससे रेज़र से, और आप देख सकते हो इधर के मेरे बाल निकल गए हैं और उधर में मेरे बाल हैं। तो आप ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, या फिर आप ये रेज़र यूज़ कर सकते हो। ये इसका वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आप यहाँ पे ये वाला भी रेज़र यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये निकल भी जाता है, इसका जो ऊपर का रेज़र है वो अलग भी हो जाता है, तो आप दूसरा नया भी लगा सकते हो इसमें, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज़, यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन और दिखा रही हूँ। तो गाइज़, ये है ट्रिमर, और ये जो ट्रिमर है ये आपके अपर लिप्स के हेयर निकालने में और आपके थ्रेडिंग के हेयर निकालने में बहुत हेल्प करता है। ये आपको थ्रेडिंग के लिए, ये अपर लिप्स के लिए है। तो गाइज़, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको पीछे से खोलेंगे तो इस तरीके से ये सेल डलेगा इसमें, ये चार्जेबल नहीं है, सेल डलता है। तो आप ये ऑप्शन देख रहे हो ना, ये आप इस तरीके से करेंगे 1 की साइड तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और आप इसको अगर इधर की साइड करेंगे जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये ओपन हो जाएगा।
तो अब मैं इसको चलाऊंगी तो इसमें कुछ आवाज़ आएगी, तो इस तरीके से यूज़ होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कैसी आवाज़ आती है और कैसे यूज़ होता है। तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से आप अपर लिप्स और थ्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये ट्रिमर आप लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मंगा लीजिए, बहुत काम का है। आई होप आप लोगों को ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आप इनमें से कोई भी हैक को फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में एक बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और ऐसी अच्छे अच्छे आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाएं। और गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी इस लॉकडाउन पीरियड में इन हैक्स को ट्राई करें और अपनी स्किन को और भी ज़्यादा हेल्दी और सॉफ्ट एंड शाइन बना सकें। गाइज आप लोगों से एक चीज़ और कहनी थी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपके कोई भी पैसे नहीं कटते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आपके लाइक करने से ना मुझे पैसे मिलते हैं, बस हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमें आगे और भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शायद आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप वापस से मेरे चैनल पर जाइए कोमल ब्यूटी करके, तो उस पर आप चैनल को वापस से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे भी आपको आगे से मेरे जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो गाइज़ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।